Press the bell icon on the YouTube app and never miss another update. Hello दोस्तों, आज हम आपको अजंता का ODC 120 का टाइम सेट करना बताएंगे, जिसमें कैलेंडर और टेम्परेचर और काउंटडाउन डे और मंथ ईयर सब आता है। तो सबसे पहले हमें इसका टाइम सेट करना है, तो हमें इसको बैक साइड में देखना होगा। यहाँ पे हमें नॉर्मल दिख रहा है, ये नॉर्मल मोड पे है, तो हमें इसे टाइम पे करना होगा। एक हमने पीछे करा, ये टाइम पे हो गया। एक और करेंगे तो अलार्म पे है। ऐसे ही हम इसे सेट कर सकते हैं हर पे। अभी हमें टाइम सेट करना है, तो अभी हमने इसे टाइम पे रखा है, ठीक है। अब ये टाइम पे हमने सेट करा तो ये ब्लिंक करने लग गया पहला। तो हमें इसे सेट करने के लिए मोड अप और डाउन इनका इस्तेमाल करना है, तीनों बटन का, ठीक है। तो हमें अब यहाँ 120 करना है, तो हमें इन दो बटन का इस्तेमाल करना है। पहले हम इसका इस्तेमाल करेंगे, आगे पीछे करने के लिए इन दो बटन का इस्तेमाल होता है। तो पहले हम ये बटन दबाएंगे 1। अब 120 करना है हमें, AM है ये, हमें इसे दबाते रहना है। अब ये आ गया 12, अब आ गया 1, PM हो गया। अब हमें मोड बटन दबाना है। मोड बटन दबाने से सेकंड वाला ब्लिंक करेगा। अब हमें 120 करना है यहाँ पे, तो हमें ये अप वाला दबाना पड़ेगा। अब जैसे मैंने आगे निकल गया हूँ, 122 कर दिया, तो हमें बैक जाने के लिए दूसरे वाले बटन का इस्तेमाल करना पड़ेगा, जिसमें हम वापस आ जाएंगे 120। उसके बाद नेक्स्ट मोड बटन द्वारा दबाना है। अब यहाँ पे हमें साल सेट करना है, 2018, इसी का उपयोग करेंगे अब बटन का। अब 2018 जब तक नहीं आएगा, इसको दबाते रहना है। अब ये 2018 हो गया है। अब हमें मोड बटन दोबारा से दबाना है। अब मंथ ब्लिंक करेगा, तो अब हम इसे मंथ को चेंज करेंगे 6। तो हमें अब फिर मोड बटन दबाना है। अब ये डेट ब्लिंक करने लग गया, अब इससे फिर इसको आगे बढ़ाना है। अब यहाँ पे हो गया 9, ठीक है। अब ये सेट हो गया टाइम पर, ये अभी भी ब्लिंक कर रहा है, तो अभी इसे रोकने के लिए हमें इसे नॉर्मल पे करना पड़ेगा। ये टाइम पे है, इसे हमने नॉर्मल पे कर दिया। नॉर्मल पे करने पे ये टाइम सेट हो गया। अब आप देखोगे टेम्परेचर, ये टेम्परेचर सेट करने का बटन इधर से होता है। अब देख रहे हो ये 96F आ रहा है। अब हम इसे अपना यहाँ का सेल्सियस में सेट करने के लिए इसको टेम्परेचर वाले को ही दबाना पड़ेगा, तो वो अपने यहाँ का सेट हो गया इंडिया का 36C। अब ऐसे ही हम अलार्म सेट करना होगा, तो इसको अलार्म पे ले आएगी नेक्स्ट बटन। और अलार्म को अलार्म सेट करने के बाद हमें यहाँ अलार्म को ऑन करना पड़ेगा। यहाँ बटन दिख रहा है जिस पे अलार्म लिखा हुआ है, इसे ऑन करना पड़ेगा। स्नूज बटन भी है, अगर स्नूज करना चाहते तो स्नूज हो जाएगा। ऐसे ही आपको मैंने आपको आज ये अजंता का ODC 120 मॉडल टाइम सेट करना सिखाया है। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और आइकॉन बेल बटन को दबाना ना भूलें। थैंक यू दोस्तों, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।